नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पहली खबर। धीरे धीरे बदल रहे हैं सदर सीट के समीकरण। सदर सीट पर जनता विजय कटियार के पक्ष में जाती दिख रही है। विजय कटियार के सारथी महेंद्र कटियार ने अपना जमीनी दांव खेलते हुए शहर के मुस्लिम मोहल्ले जैसे छावनी, घोड़ा नखास, मनियारी में ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और शहर के तमाम मोहल्लों में महेंद्र कटियार को हाथों हाथ लिया। और इतना ही नहीं, जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान लोगों ने महेंद्र कटियार को फूल मालाओं से लबालब कर दिया। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने बताया कि हम सब समाजवादी थे, परंतु ऐसे प्रत्याशी को हमारे बीच लाकर खड़ा कर दिया जिसे हम जानते तक नहीं, वह हमारी समस्याओं को क्या सुलझाएगा। साथ ही साथ लोगों ने यह भी कहा कि विजय कटियार हमारे बीच रहने वाले हैं, विजय कटियार को हम 3 पीढ़ियों से जानते हैं और जबकि हमें दिक्कत परेशानी हुई, महेंद्र कटियार ने हमारा साथ दिया, आज उन्हें हमारी जरूरत है तो हम तन मन धन से अपने भाई के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं और आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि क्या होने वाला है। भैया, लोगों ने खुला खेल फरकवावादी शुरू कर दिया है और सदर सीट पर लोगों के कथनानुसार साइकिल की हवा निकलने वाली है। तो आइए अब सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर और यह है समाजवादी पार्टी कार्यालय की, जहां आज जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के प्रयासों के चलते कायमगंज विधानसभा के कांग्रेस के आवेदक रहे जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस व अध्यक्ष कठेरिया कल्याण समिति फरुखाबाद के रमेश चंद्र कठेरिया ने अपने एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 50 साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण की और कांग्रेस प्रत्याशी को सपा पार्टी का कार्यालय पर पेट दबा दबा कर कोसा। कांग्रेस से रिजाइन करने की जानकारी हमें अखबार के माध्यम से मिली। हमने तत्काल अनुपम प्रजापति जी से, जो इनके पड़ोसी हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, हमने तत्काल कहा कि आप जाकर हमारा संदेश दीजिए और उनसे संपर्क कीजिए। पार्टी के नेताओं को आज मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया था और फरुखाबाद जनपद में कांग्रेस की हम लोगों की टीम ने एक फरुखाबाद में कांग्रेस को जो एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने लायक बना दिया था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप से जो यहां का निर्णय हुआ टिकट वितरण में, उसमें जो रोष व्याप्त हुआ, कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हुआ, आज से समाजवादी पार्टी के जनपद की चारों सीटों को जिताने का काम ये वर्तमान ये पदाधिकारी कांग्रेस के बैठे हैं, ये समाजवादी पार्टी की जनपद की चारों सीटों को जिताने का काम करेंगे। ये जिला मुख्यालय की सीट है, इस पर जो दुर्गत कांग्रेस प्रत्याशी की होगी वो मीडिया के लोग 10 तारीख को देखेंगे। हम अपने मीडिया के लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, इस फरुखाबाद सदर की कांग्रेस के प्रत्याशी आज कह रही है कि फरुखाबाद जनपद में कैंसर का। तो अब सुन लीजिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। यह है शमशाबाद से, जहां मेला राम नगरिया में ढाई घाट पर एक इको कार द वर्निंग ट्रेन की तरह धू धू कर जल गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया परंतु कोई फायदा नहीं। आग का भयानक व विकराल रूप देखकर कोई भी पास नहीं गया, जिसका बस इकट्ठे ही यूं ही हो हल्ला करते रहे। खैर, आग से किसी भी जनहानि नहीं हुई और कार में आग कैसे लगी इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आइए देखते हैं एक झलक। चलाता चल, गाड़ी चला है, धीरे धीरे चलाता चल, चलाता। ये आग लगी कैसे? अच्छा, आराम आराम से, आराम आराम आराम, जल्दी निकाल ले, बहुत चटाके ले।
तो आइए अब सुन लीजिए यूपी 76वीं प्राइम टाइम की चौथी खबर। अब आप सुने एक और बड़ी खबर। सुरों की मल्लिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन आज प्रातः 8:30 बजे हो गया। जिन्होंने अपने 70 वर्ष के जीवन काल में लगभग 50,000 से अधिक अपनी आवाजों में गीत गाए और लगभग 36 भाषाओं में गीत गाकर हमारे बीच अमर हो गईं। लता जी का जाना कला क्षेत्र की अविश्वसनीय क्षति है जिसकी पूर्ति युगों युगों तक नहीं हो सकती। ऐसी महान हस्ती स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को यूपी 76 न्यूज शत शत नमन करता है। तो आइए अब सुन लीजिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की पांचवी खबर। अब हम आपको लेकर चलते हैं नवाबगंज, जहां भूमि विवाद में किशोर की लीला समाप्त कर बोरे में बंद करके फेंक दिया। सुबह सूचना मिलते ही खुद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और यूपी 76 न्यूज को बताया। क्षेत्र में चिकवाली गली में सर सरसों के खेत में बोरी में सब मिला किशोर, सर क्या है पूरा प्रकरण? ये एक सूचना मिली थी आप कि जो नवाबगंज थाना क्षेत्र में जो मोहल्ला चिकन वाली गली है जी सर, इसके यहाँ पर जो ये राजवीर जी रहते हैं, इनका जो बच्चा है राजू जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है, उसका शव इन्हीं के घर से पीछे करीब 200 मीटर दूर जो सरसों का खेत है उसके पास में एक बोरे में मिला है। तुरंत से हमारी जो एफएसएल हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है प्लस डॉग स्क्वाड प्लस जो हमारा यहाँ का थाना नवाबगंज के फोर्स है उसने आकर जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर किया और सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। जी सर। साथ ही साथ जो इनके घर वाले हैं उनसे वार्ता की गई है और उन्होंने जो भी तहरीर दी है उसके आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसके लिए 3 टीम लगाई है जिससे कि इसको जल्द से जल्द अनावरण इस घटना का किया जाए और जो भी कल्प्रिट इसके पीछे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। सर टोटल कितनी टीम लगाई गई है इसमें? इसमें टोटल 3 टीमें हमने लगाई है अभी तक, जो हमारी एसओजी की टीम है, सर्वलांस की टीम है, साथ ही साथ हमारे थाने की टीम है, तो कुल 3 टीमें इसमें लगाई है। जल्दी इस घटना का वर्कआउट किया जाएगा। ठीक सर, ओके।